सो गाइस, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 4GM कब तक आने वाला है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होने वाली हैं एंड उसके गेम का साइज कितना होने वाला है। सो पूरे वीडियो को जरूर देखना। हेलो गाइस, मेरा नाम है हर्षित, आप देख रहे हैं गेमिंग बड़ी यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं एक इंट्रो के बाद। गाइस, जैसे ही पबजी बैन हुआ था तो अक्षय कुमार ने ट्विटर में एक पोस्ट डाली थी जिसमें उन्होंने 4G गेम का टीजर डाला था एंड बताया था कि ये गेम क्या होने वाला है और ये किस बेसिस पर होने वाला है। ना काफ़ी लोग बोल रहे थे कि ये एक स्ट्रैटर्जी है पबजी को बैन करके अपना गेम लाने की, बट ऐसा नहीं है। अक्षय कुमार ने सारी डिटेल्स बताई हैं। ये गेम काफ़ी टाइम पहले से स्टार्ट हो गया था इसका बनना, बट हाँ, जैसे ही पबजी बैन हुआ तो उन्होंने सोचा कि एक अच्छा मौका है एंड इसलिए उन्होंने 4G गेम को रिलीज़ करा। एंड गाइस, 4G गेम की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है फियरलेस इन यूनाइटेड गार्ड्स एंड हाँ, ये एक मेड इन इंडिया गेम है तो ये इंडियन सोल्जर्स के ऊपर ही बेस्ड होगा एंड इसकी 20% रेवेन्यू जो जनरेट होगी वो भारत के वी ट्रस्ट में जाने वाली है। एंड गाइस, अगर इसकी रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो इसकी रिक्वायरमेंट्स एटलीस्ट 4GB रैम बोला जा रहा है। 4GB रैम में आप इसको मीडियम ग्राफिक्स विद 50-60 फ्रेम्स खेल पाओगे एंड आप पबजी के रिप्लेस में आए तो काफ़ी इसके अच्छे ग्राफिक्स होने वाले हैं, तो हाँ, 2GB रैम में तो ये भी नहीं चलने वाला। एंड गाइस, अगर इसकी साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ 500MB से 2GB होने वाला है एंड ऑब्वियसली पबजी का रिप्लेस है तो इसका साइज़ भी ज़्यादा होगा। एंड यहाँ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये गेम सही में पबजी जैसा हो और इंडिया का गेम है तो हम ट्राई ज़रूर करेंगे और जैसे ही लॉन्च होगा हम उसकी लाइव स्ट्रीम भी करेंगे। सो गाइस, अगर इसकी रिलीज डेट की बात करें तो पहले इसकी रिलीज डेट अक्टूबर एंड तक थी, बट अभी ये चेंज करके नवंबर एंड कर दी है एंड होप करते हैं कि नवंबर एंड तक ये आ जाए और डिले ना हो। मेरे भारतीय परिवार, मेरा नाम कोहे है और मैं टोक्यो जापान से हूँ।